हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT सर्जन एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माय नोज माय लाइफ। जैसे विगत दो एपिसोड में भी हमने नोज के बारे में चर्चा की थी, तो मैं आशा करता हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे बड़ी एक कॉमन जो आम समस्या है, वो है नोज ब्लीडिंग, नक्सीर, और जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, क्या है एपिस्टेक्सिस, क्या है नोज ब्लीडिंग। अचानक नोज से ब्लीडिंग आना, अनइवेंटफुली नोज से ब्लीडिंग आना, नोज से खून का निकलना, वो है नोज ब्लीडिंग और नक्सीर। और ये एक ऐसी समस्या है जो उम्र के हर पड़ाव में कभी ना कभी किसी को ये प्रॉब्लम घर में या इस प्रॉब्लम से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि क्या कारण है नोज ब्लड की, क्यों आता है नोज से ब्लड। इसके कारण जानने के लिए अपन इसके जो कारण हैं उसको वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट, दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, आइदर द लोकल और द सिस्टमेटिक। दैट मीन्स कुछ कारण हैं जो नोज से रिलेटेड कारण हैं, हो सकता है नोज का ट्रॉमा हो, और वो ट्रॉमा जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, ड्यूरिंग द प्लेइंग के कारण हो सकता है, जिसमें जो हमारे पास केसेज आते हैं वो फुटबॉल इंजरी और द क्रिकेट बॉल इंजरी के कॉमन केसेज होते हैं, और कोई फॉरेन बॉडी ट्रॉमा भी हो सकता है, उसके कारण भी नोज ब्लीड आ जाता है। एंड इसके बाद के अंदर जो है नोज के जो है कॉमन जो नोज डिजीज हैं वो भी हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है नोज के अंदर, एलर्जिक राइनाइटिस होती है जिसके कारण भी नोज ब्लीडिंग हो जाता है, और कुछ नोज की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। हो सकता है नाक के अंदर DNS है जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, नाक के अंदर नाक की हड्डी टेढ़ी है, या नाक के अंदर कोई मांस बना हुआ है जिसका आपने को यूजुअली पता नहीं, वो भी एक नोज ब्लीड का सिम्टम्स हो सकता है। ये कारण है लोकल कारण जो नोज ब्लीडिंग के हैं। इसके अलावा जो कुछ सिस्टमिक, दैट मीन्स जो अपनी एंटायर बॉडी से रिलेटेड कारण होते हैं, उनसे भी क्या है नोज ब्लीडिंग हो सकती है, क्रोनिक लीवर डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिजीज है तो लीवर के अंदर जो अपना जो क्लॉटिंग सिस्टम के जो फैक्टर्स होते हैं, जो अपने ब्लड में जो क्लॉट बनाने के जो फैक्टर्स होते हैं, वो उनका कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है लीवर डिजीज के पेशेंट में भी नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कोई क्रोनिक लीवर डिजीज के कारण हो या क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यू जो किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, सिस्टमिक, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है नोज ब्लीडिंग का। थर्ड एक कारण और होता है नोज ब्लीडिंग का, वो है एटमॉस्फेरिक। कई बार क्या है कि वातावरण की हवा बहुत शुष्क होती है या बहुत हाई डिग्री होती है, तो अपने उसमें भी क्या है कि जो है नोज के अंदर ब्लीडिंग आने के चांसेज होते हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जिसके कारण नोज ब्लीडिंग एक कॉमन जो है वो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होता है। अब इन सब कारणों में से एक भी किसी कारण से जो नोज के अंदर जो अपना एक पतली बोन होती है, जो पतली कार्टिलेज होती है जिसको सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं, जो उसके ऊपर जो अपनी म्यूकोजा होती है, उसमें जो अपनी वेन होती है, वो इन किसी भी एक कारण से उसमें अगर वो टीयर हो जाता है, तो उसके टीयर होने के कारण नोज का ब्लड आता है। तो ये इन कारणों से नोज ब्लड आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट नोज ब्लड के अगर होता है तो उसका कैसे उसका ट्रीटमेंट हो। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को ये जानना है कि क्या अपने को नहीं करना, व्हाट शुड नॉट डू ड्यूरिंग द एपिस्टेक्सिस, बिकॉज एपिस्टेक्सिस किसी को होता है तो बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग है, एपिस्टेक्सिस है, तो उसको क्या है कभी भी उसको लाइंग डाउन नहीं करना, उसको लेटाना नहीं है। होता क्या है कि जब भी किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस होती है तब अपन उसको लिटा दिया जाता है, तो वो जो पूरा ब्लड नोज का नाक के पीछे के हिस्से से उसके गले में चला जाता है, और कई बार क्या है माउथ से आता है, और बहुत बार थोड़ी देर बाद क्या है उसको वोमिट होती है, तो वो क्या होता है कि सिचुएशन पैनिक हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को लगता है अभी उसको खून की उल्टियाँ भी होने लग गई। कभी भी उसको लिटाना नहीं है। फर्स्ट द इम्पोर्टेंट थिंग, फर्स्ट एड में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ पेशेंट को जो है वो नोज को जो है वो आगे उसको जो है वो झुक के, और उसका नोज जो है अपने को यूँ उसको अराउंड 10 मिनट्स तक पिंच कर लेना है, नोज पिंचिंग कर लेना है। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तो अराउंड अगर 10 मिनट्स अगर आप पिंच करते हो तो आप उसका यूजुअली वो ठीक हो जाता है, और दो या तीन बार ये आप प्रोसीजर कर सकते हो। एंड रीअश्योर पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ये एक फर्स्ट एड है। उसके बाद के अंदर
अगर मान लो नहीं ठीक होती है तो पेशेंट को जो है वो अपने को जहाँ पे भी इसका जो नो सर्जन या जो ENT के जो डॉक्टर हैं जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ अपने को कंसल्ट करना चाहिए। जब पेशेंट इस टाइप का कोई आता है हमारे पास तो सबसे पहले हम उसका जो है वो उसका हिस्ट्री पेशेंट का इम्पोर्टेंट होता है कि किस कारण से उसको ब्लीडिंग आया है, तो उसका जो कारण होता है उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग का कारण होता है वो नोज़ पिकिंग होता है। नोज़ पिकिंग के कारण, नोज़ बार बार फिंगर देते हैं तो उसके क्या है उसके कारण ब्लीडिंग होता है। और जो अडल्ट जो पॉपुलेशन होती है उसमें क्या है नोज़ जो ब्लीडिंग का जो कारण होता है वो होता है हाइपरटेंसिव। कई बार उनका जो है ब्लड प्रेशर की जो वो टेबलेट्स ले रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं हो पाता, उसके कारण क्या हाइपरटेंशन होता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं कि उसका लीवर का जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कराया जाता है। और एक बार क्या है पेशेंट की सीटी स्कैन भी कराई जाती है जिससे अपने को ये नोज़ की इंटीरियर के बारे में भी पता लगे कि कहीं कोई फिजिकली डेविएशन तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, अदर कोई इंटीरियर नोज में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो एपिस्टेक्सिस का कारण है। ये उसके इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड होते हैं। अब आता है उसका ट्रीटमेंट कि उस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। आफ्टर फर्स्ट एड के बाद में क्या है कि यूजुअली जहाँ पे पेरिफेरी और जहाँ पे सुविधा नहीं होती वो यूजुअली एक नोज़ के अंदर एक पैकिंग डाल दी जाती है, रिबन गॉज पैकिंग, जिससे एटलीस्ट वो ब्लड आना रुक जाता है। यूजुअली ये ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली किया जाता है, बट लेटेस्ट एंडोस्कोपिक जो इसका ट्रीटमेंट है वो उसमें क्या किया एंडोस्कोपिक से नोज़ का जहाँ पे ब्लीड हो रहा है, जहाँ पे वो ब्लीडिंग जो वेन जो टीयर हुआ है कर रही है उसको एक एंडोस्कोपिक कोटराइजेशन से उसको सील कर दिया जाता है, जिससे अननेसेसरी नोज़ के अंदर क्या है पैकिंग जो है वो नोज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत बार पेशेंट को उसका नोज़ ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसको डिसकम्फर्ट होता है। एक लेटेस्ट जो इसका जो एडवांस जो ट्रीटमेंट है वो है एंडोस्कोपिक कोटराइजेशन, जो अवेलेबल जहाँ पे होता है वहाँ पेशेंट को कराना चाहिए। ये दोस्तों इसका ट्रीटमेंट है। एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। इसके प्रिवेंशन के लिए आपको जो है कुछ उपाय हैं, लाइक जैसे पेशेंट को जो है वो प्रिकॉशंस यूज में जो है यूज में लेना चाहिए, लाइक रोड ट्रैफिक के अंदर आपको हेलमेट यूज़ में लेना चाहिए, प्लेइंग के टाइम पे भी सावधानी लेनी चाहिए, एंड जो भी सेफ गार्ड्स मेजर हैं वो लेना चाहिए। एंड अवॉइड एक्सेसिव एल्कोहल टू द पेशेंट, अत्यधिक एल्कोहल के सेवन के कारण भी लीवर वीक होता है जिसके कारण होता है। एंड छोटे बच्चों के जो नेल हैं वो आपको काट के रखने चाहिए जिससे वो नॉच पिकिंग करें तो नॉच के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो। एंड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, काफ़ी सारा पानी जो है वो जिससे बॉडी में क्या है डिहाइड्रेशन नहीं हो, ये सारा आपने को लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को BP या ब्लड प्रेशर की गोली चल रही है तो वो क्या है कि कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट लेने चाहिए, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के गोली को स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखने को ये मिलता है कि नहीं मेरे को तो अब कोई ब्लड प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि बहुत बार क्या है अगर पेशेंट क्या कंटिन्यू जब ब्लड प्रेशर की गोली लेता रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। अमूमन पेशेंट उसको मेजर करता है तो उसको लगता है मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वो गोली के इफेक्ट के कारण नॉर्मल आ रहा, तो अनटिल अनलेस जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता उसको आप जो है बंद नहीं करें तो आपकी गोली कंटिन्यू लीजिए। अगर किसी पेशेंट को कोई नोज के अंदर कोई एलर्जी रहती है, क्रोनिक एलर्जी रहती है, तो उसका भी वो कंटिन्यू जो है नेजल स्प्रे या ट्रीटमेंट उसके डॉक्टर ने एडवाइज किया वो उसको लेना चाहिए जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आए। और अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है कि नोज़ में आपके कोई DNS है, नाक के अंदर कोई मास है, आपकी कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, डॉक्टर ने आपको क्या है डायग्नोसिस किया है कि इसका क्या है ऑपरेशन की कोई आपको ज़रूरत है, आप अपनी अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट जगह जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है उसका कोई ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट कॉमन समस्या है नोज़ ब्लीडिंग। मुझे लगता है कि आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए लाभदायक होगी। एंड अपन फिर इस नोज़ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माई नोज़ माई लाइफ में फिर मिलेंगे। एंड इफ़ यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस एंड यू कैन लॉग इन माई नक्स राइनोप्लास्टी पेज एंड जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। थैंक यू।